और आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति टीवी में आइए मुलाकात करवाते हैं जो कि शाहिद भाई हैं और सुधीर बाबा के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं जो कि उनके साथ तन मन ध्यान से लगे रहते हैं। आइए जानना चाहते हैं कि आप उनके दिल में उनके साथ साथ रहते हैं क्या, उनके दर्द को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि सबसे पहले तो आपने मुझे आपके चैनल पे बोलने का मौका दिया। आप तो मैं क्या ही बताऊं, आपने तो खुद ही नजारा देखा जी, ये नजारा किसी सीएम की और किसी पीएम की रैली में भी आपने नहीं देखा होगा। आज ये पूरा रोड, ये पूरी गलियां, ये पूरे रास्ते खचाखच भरे थे, ये सिर्फ और सिर्फ जीशान भाई की मोहब्बत थे। जो हमारे साथ अपोजिशन में खड़ा है ना, वो जब लोगों को बुलाता है तो उसको लोग बुलाने पड़ते हैं विनय पार्ले से, उसको लोग बुलाने पड़ते हैं मलाड से। ये आज जितने भी लोग आए थे ना, सब ने अपने घरों में ताले लगा लगाए थे, यहाँ पर आए थे। आप कह रहे हैं कि जो भीड़ लगी थी, मैं सब देख रहा हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पब्लिक लगातार आती रहती, पब्लिक कम नहीं होती, जो अपने घर को काम छोड़ के यहाँ पर आ रहे थे बाबा जी की विचार भारत उनको सुनने के लिए, जो उनको दर्द थे, जो उनकी घटना हुआ, उनके बेटे जी आए थे, तो क्या आप लग रहा है कि 20 तारीख को क्या जनता पूरी भारत में तस्वीर बनाएंगे? जनता बहुत भारी मतों से जिताने जा रही है, जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री होगी हमारी। इंशाअल्लाह देख लेना, यही वो मंच होगा जब हम विक्ट्री का जश्न मनाएंगे इसी रोड के ऊपर, इसी रास्ते के ऊपर, और ये विक्ट्री काम की विक्ट्री होगी। जिसने जो लोग हमारे सामने खड़े हैं, पिछले 15-20 साल तक किसी ने हमारे लोगों का काम नहीं किया, कोई हमारे गलियों में झांकने नहीं आता था, कोई हमारे मोहल्ले में झांकने नहीं आता था, आज जीशान बाबा सिद्दीकी ने काम करके दिखाया है। आज ऐसी कोई गली बाकी नहीं है, ऐसा कोई रास्ता बाकी नहीं है जो आज जहाँ पर जीशान बाबा ने, बाबा सिद्दीकी ने काम नहीं किया हो। तो हम सब की ये लोगों की मांग है, फिर एक बार जीशान भाई की जीत हो, और इंशाअल्लाह जैसी वो जीत कर आएंगे, अब इस बार उन्होंने गटर नाली बनाए और अगली बार आएंगे तो डेवलपमेंट का काम करेंगे। जी, आपने बहुत अच्छी बात कहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जीशान बाबा सिद्दीकी जी के जो है, उन्होंने बोला उनके आंखों से आंसू आ रही है, क्या उस आंसू की बूंद बूंद जो गिरने वाला जो गिर रहा था, क्या उसकी कीमत आप लोग चुका देंगे ना? पकड़ आंसू की कोई कीमत नहीं है, वो अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। किसी ने अपने बाप को खोया है वो उसका दर्द भी जानता है, मैंने भी अपने बाप को खोया हो तो मैं उसका दर्द भी जानता हूँ। तो ये जो विक्ट्री है ना, ये लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं, यही शिवसेना वाले हम पे इल्जाम लगाते हैं कि आप फला पार्टी में चले गए हो, आप ये लोग हम पे गुस्सा क्यों का इल्जाम लगाते हैं। ये लोग खुद कई कई साल तक 30-35 साल बीजेपी के साथ इनका गठबंधन रहा, ये लोग हमारे खिलाफ पॉलिसियां बनाए करते थे, और आज यही लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं। 23 तारीख को झंडा लहराया जाएगा घड़ी का, 23 तारीख को झंडा भी लहराया जाएगा और जश्न भी मनाया जाएगा, और ऐसा जश्न मनाया जाएगा पूरे बांद्रा के आवाम, पूरे महाराष्ट्र के आवाम और पूरे हिंदुस्तान के आवाम देखेंगे जीशान भाई की जीत। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, जीशान भाई ने कहा कि बहुत भारी मतों से 20 तारीख वोटिंग होगा और 23 तारीख को इस मंच पर जश्न मनाया जाएगा, और जो यहाँ पे जश्न मनाया जाए आइए जीतने के बाद हम देखेंगे कि हमें बीजेपी को समर्थन करना है या नहीं करना है। यह बड़ी बात है, कोई जरा मस्ती नहीं चलेगी और धक्का मुक्की तो अलाउ है ही नहीं, समझे ना? और एक छुटपुला नेता है, उसे कुछ वक्त पहले यहाँ के लोगों ने दिया था, मैं पीछे जी गया था, अम्मा बहन भाई जी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं धर्म पारंपरिक वाले पारंपरिक बड़ी शर्म किससे पूछो, ये रोड माइंडिंग के नाम पे कितनी दलाली खाई है, पूछो इससे कि गरीब मगर कम्युनिस्ट के बारे में कितनी दलाली खाई, इससे पूछो गरीब मगर में जो पाइपलाइन का विषय था उसके नाम पे कितनी दलाली खाई काम जो हो गया है जिसका बाबा को दिया रे पत्नी और आप सबसे मेरा रिश्ता था आपका
सारे की तादाद के अंदर यहाँ पे जो लोग हैं जो प्यार नहीं है तो क्या और उन्होंने जो काम किया है इसलिए लोग कुछ लोग जो नेता यहाँ आते हैं लोगों को फोन करके लोग बुलाते हैं तो भैया मैं आ रहा हूँ आ जाइए यहाँ पे निशान सिद्दीकी साहब का इंतजार करते हैं लोग और उनको बुलाते हैं साहब यहाँ पे आए क्यों जो उनका काम का स्टाइल अलग है। ये निशान सिद्दीकी साहब जो है ये बाबा सिद्दीकी साहब के बेटे जिनका नाम काम से पहचाना जाए जी और इधर हम लोग मुतमिन है कि निशान सिद्दीकी साहब ने जो काम किया है हम उनके साथ है और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और वो ठीक कराएंगे। ये आज की मीटिंग के अंदर तय हो चुका है 20 तारीख को आप ऐलान करना चाहते हैं कि क्या भारी मतों से विजय करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये कम से कम 7 से 70 हजार के मतों से जीत कर आए तो 23 तारीख का झंडा लहराया जाएगा। बिल्कुल लहराया जाएगा निशान सिद्दीकी साहब के नाम से और उनकी 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 शक्ल पर उनकी शख्सियत पर उनके पहचान पे उनके काम पे वोट डाला जाए जी। देखिए बता रहे हैं साहब जी की 23 तारीख को झंडा लहराया जाएगा बाबा सिद्दीकी जी का बहुत भारी मतों से विजय बनेगी यहाँ से क्योंकि जनता यहाँ का प्यार करी जनता में देख रहा हूँ मैं आया खड़ा हूँ काफी जनता यहाँ पर भीड़ मचाई थी और काफी लोगों ने यहाँ पर उनके विचारों को क्योंकि सुनने के लिए काफी लोग भीड़ लगाया। जय हिंद।